सर, अस्पताल के फोन पर ढांचागत होगा तो स्वरूप पर निश्चित भी आप अब ज़्यादा ध्यान आगे दिया जा क्यों रहा होगा है, तो हम निश्चित और सीएम साहब के आपको आदेश के बाद जो है इसमें कुछ तब्दीलियां हुई हैं, वो क्या कुछ कैसे कहना है आ उसमें? रहे हैं अस्पताल में जो है, जैसे हमारा जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर थोड़ा आजकल मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो थोड़ा भीड़ रहती है, तो सीएम साहब ने एक सजेशन दिया है कि मरीज जो है लाइन में ज़्यादा खड़े न रहें, इसके लिए उनकी बैठने का इंतज़ाम किया जाए और हम इस लाइन पर सोच रहे हैं उसको हम किस तरह से कार्यान्वित करेंगे, उसके लिए हम ये सोच रहे हैं उनको पहले हम जो है उनके बैठने की व्यवस्था करीब 100-150 लोगों के बैठने की व्यवस्था करेंगे और उनको जैसे आते ही हमें टोकन दे दिया करेंगे उनको, और उसमें एक डिस्प्ले सिस्टम लगेगा और उससे जो नंबर उसमें डिस्प्ले होगा वही मरीज़ वहाँ से उठ के अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा। इसी तरह से और जो चैम्बर हैं डॉक्टरों के, मरीज बैठा रहेगा और जो डिस्प्ले में उसका नंबर आएगा, जो नंबर उसको आवंटित किया जाएगा टोकन, उस हिसाब से वो जाके अपने चैम्बर को डॉक्टर के चैम्बर में दिखाएगा। इससे मरीजों को जो लाइन में लगने की जो सुविधा हो रही है और वो नहीं करनी पड़ेगी, वो आराम से अपना नंबर आने पर दिखा पाएंगे। सर, डिजिटल एक्सरे मशीन भी लगनी थी, कितना समय और लग पाएगा? डिजिटल एक्सरे मशीन का लगभग मशीन हमारे यहाँ आ चुकी है, थोड़ा बिजली का काम बाकी है, मशीन तो लग चुकी है लगभग, लेकिन जो बिजली का केबल वेबल लगना वो ये विद्युत विभाग ने लगाना है और उनको ये ऑर्डर दे रखा है हमने लगाने के लिए, वो उनने काम शुरू कर दिया है, अर्थिंग वर्थिंग शुरू की, केबल बिछनी है उसके लिए भी खुदाई शुरू कर दी उन्होंने, उम्मीद है 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। सर, मौसम के बदलती है तमाम रोग जो है बहुत महामारी का रूप ले लेते हैं, क्या कुछ तैयारियां अस्पताल प्रशासन की ओर से हो रही? हमारी तरफ इसमें अब जो गर्मियों का सीजन आ रहा है तो इस टाइम पे जो मेन बीमारियां होती हैं कि आपका डायरिया होता है या टाइफाइड होता है या दस्त वस्त की बीमारियां हैं और ये आपका डेंगू वगैरह मच्छर वच्छर बढ़ जाते हैं या मलेरिया किसी जाते हैं, तो हमारे पास इसकी समुचित व्यवस्था है, सारी मेडिसिन हमारे पास हैं, आईवी फ्लूड्स वगैरह चाहिए होते हैं, एंटीबायोटिक्स चाहिए होते हैं, हर तरह के और फिजिशियन चाहिए होते हैं, वो हमारे पास 3-3 फिजिशियन हैं और अस्पताल में हमारे पास पूरी समुचित व्यवस्था, आइसोलेशन वार्ड हमने बनाए हुए हैं और हमारे पास हर तरह की व्यवस्था।